गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप व्यूअर्स? आज का हमारा प्रोडक्ट है लॉरियल पेरिस 6 ऑयल नॉरिश। तो आज हम बात करेंगे कंडीशनर के बारे में। सो मैनी ऑफ यू हैव जस्ट आस्क्ड मी अबाउट अ गुड कंडीशनर फॉर द ड्राई हेयर, सो हेयर आई कम विद दिस न्यू प्रोडक्ट। Guys, before starting, I just request to all of you, if you are just very much new on my channel, I just request you जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑलरेडी आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी इसमें। और मोर ओवर आपसे रिक्वेस्ट है, इसे शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिनको ड्राई हेयर का इशू है, कंसर्न है उनको, तो आई एम श्योर उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। Guys, before starting about this product, let me just tell you bit something about dry hair. आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा dry hair, you are not sure कि मतलब कि मेरे dry hair हैं या नहीं हैं. Let's talk about that. Might be आपको थोड़ी सी clarity मिल जाएगी अपने hair से related. So how dry hair work? Dry hair develops when your hair doesn't get or retain maximum moisture. Basically, dry hair reduces the sheen, the shine of the hair, and you can say it appears more dullness, frizziness, and damaged look. Because if we talk about the age factor, then there is no age factor there. And if we talk about something gender factor, there is no gender factor. It can be happen to any gender, and it can have, you know, it can be happen to any age. Guys, stay tuned with my channel. Definitely, I will share a wonderful tip very soon. And moreover, I just request you to just subscribe my channel. So let's start with our new product, which is L'Oreal Paris 6 Oil Nourish Rapid Reviver. जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 180 मिलीलीटर, प्राइस है इसका 240 MRP, और इसके अंदर आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी 3 ईयर्स की। गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू, यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन एज वेल ऑन अमेजोन, बिकॉज उसके अंदर डील्स चलती रहती हैं। एंड डेफिनेटली अगर 240 का तो नहीं, डेफिनेटली आपको रिड्यूस प्राइस पे ही इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिल जाएगा। अगर आपको ऑफर मिल जाएगा अमेजोन पे, तो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर अमेजोन, बिकॉज मैं तो जो भी ऑर्डर करती हूँ, स्पेशली अमेजोन, आई ट्रस्ट अमेजोन वेरी मच, द ओनली ऑनलाइन। गाइज, आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन, कम्प्लीटली सोली आप डिपेंडेंट मत रहिए शैम्पूज या फिर कंडीशनर्स पे भी। आप घर के कुछ ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। इट्स लाइक अ होम रेमेडी एज वेल एज यू कैन से वन कंडीशनर रेमेडी एज वेल। सो आप होम रेमेडी से शुरू कर सकते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। हेयर को सबसे ज़्यादा केयर चाहिए होती है। देखो, दो चीज़ों को सबसे एक्सट्रीम केयर चाहिए होती है। एक तो चाहिए होती है आपकी ऑयली स्किन को, और दूसरी आपके ड्राई हेयर को एक्सेसिव केयर चाहिए होती है। गाइज, गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप शैम्पू करें, स्पेशली ड्राई हेयर के पर्सन जिनके से ड्राई हेयर हैं, अगर आप जब भी शैम्पू करें तो सबसे पहले ऑयलिंग ज़रूर कीजिए अपने हेयर पे। उससे क्या होता है, नरिशमेंट मिलती है आपके हेयर को, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स रियली द बेस्ट वन, दैट्स अ रियली बेस्ट ऑयल, इवन आई एम यूजिंग सिंस माई चाइल्डहुड ओनली, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दैट वन। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद यू within the description box. And और आपसे request है, oiling ज़रूर कीजिए। oiling करने के बाद अपने hair को, ये tip मैं बताऊँगी, okay, आप oiling ज़रूर कीजिए हमेशा अपने hair को, और उसके बाद ही आप conditioner use कीजिए। Guys, oil use करने से you can feel the shininess and the softness, and moreover you can just feel the glossiness, you know, some kind of shine, sheen in your hair. The best part is this. Guys, now if we talk about, it is written here कि no leave in time. No leave in time का मतलब यही है, जैसे generally कुछ other conditioners होते हैं उसमें होता है कि आपको conditioner लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कुछ duration के लिए लगा के रखना है, उसके बाद wash off करना है। But इसमें लिखा है no leave in time, it means आपको सिर्फ लगा कर instantly आप इसे wash off कर सकते हैं। Like
टुडे वी आर लिविंग इन अ एरा जहाँ पर ना बहुत लाइफ बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्पेशली लगाने के बाद उसको वेट करे. बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन, बट इट इज़ रिटन कि इट हैज़ द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर आप लगा रहे हैं प्रोडक्ट को उसके बाद आप इसको इंस्टेंटली वॉश ऑफ कर सकते हैं. और गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगी, कंडीशनर जनरली लोग क्या करते हैं, जब वो बाल धो रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बाल धोते धोते ना ये जो आप देखते हैं ये देखो ये पार्ट जो होता है ये आपका शाफ्ट होता है, ठीक है, और ये इस पर आपको नहीं लगाना, आपको स्किन पे नहीं लगाना है, आपको स्कैल्प को स्पेशली छोड़ना है. कहते हैं स्कैल्प से आधा इंच छोड़ने के बाद जितना पार्ट होता है वो सारा आपका शाफ्ट होता है. तो कंडीशनर सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट पे ही लगता है, स्कैल्प पे नहीं लगता है. तो आपका हेयर शाफ्ट्स हैं तो इसको ही उस पर ही आपका कंडीशनर लगेगा, आप स्कैल्प पे मत लगाइए अपना कंडीशनर. बिकॉज हेयर यू कैन सी इट इज़ रिटन लाइक 2x नरिशमेंट, सो इट मीन्स लाइक द नरिशमेंट पार इज 2 times you know faster as compared to the normal conditioner. So the company's emphasis was like this only while introducing the product, ki it means like two times iski nourishment power zyada hai as compared to the normal conditioner se. If I talk about the packaging of this particular product, then it is like a bit of plastic, and moreover the opener is like flip top. So and moreover I would like to suggest you that अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो देखिए sometime क्या होता है ये ओपन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है सारा प्रोडक्ट लीक होने लग जाता है. सो बेटर फॉर योर सिक्योरिटी, या फिर आप जहाँ जब ट्रैवल कर रहे हैं आपने जहाँ पर भी इस प्रोडक्ट को रखा होगा कहीं आपका वो चीज़ ख़राब ना हो जाए, मोरओवर आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो जाए, फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज आप अपना एक काम कीजिए यहाँ पे टेपिंग लगा दीजिए. टेपिंग लगाने से क्या होता है यू विल बी मोर श्योर कि आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा और आपकी जो भी रेलिवेंट चीज़ें इसके साथ पड़ी हुई हैं वो खराब नहीं होगी. सो इट्स बेटर टू टेक द सिक्योरिटी बिफोर यू नो ब्लेमिंग फॉर एनीथिंग. एज आई एम टॉकिंग अबाउट 6 Oil Nourish, अगर मैं इसकी बात करती हूँ 6 Oil Nourish की, जो कि इसका सबसे हाईलाइटेड पार्ट है, तो इसके अंदर इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 6 oils, और वो 6 oils क्या मैं आपको वो बताती हूँ. गाइस इट कंसिस्ट ऑफ कोकोनट ऑयल, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलिव फ्रूट ऑयल, इट कंसिस्ट ऑफ आर्जेनिया और सिपनोसा, कर्नेल ऑयल एंड कैमिलीना सेटिवा सीड ऑयल, जोजोबा सीड ऑयल, स्वीट एलमंड ऑयल. सो हे आर द 6 oils विच हैज़ यू नो दिस गिविंग देयर बेस्ट रिजल्ट्स फॉर दिस प्रोडक्ट. गाइस इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कैन ड्रॉप 1 like ऑन दिस वीडियो. सो नाउ आई जस्ट टॉक अबाउट द टिप फॉर द सेम. टिप गाइस यही है कि आप जब भी ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करने के बाद अपने हेयर को डिटैंगल ज़रूर कीजिए. जब आप उसे डिटैंगल करेंगे तो उससे क्या होगा आपके बाल कम टूटेंगे. जिनको प्रॉब्लम है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑयलिंग करने के बाद अपने हेयर को डिटैंगल ज़रूर कीजिए. और उसके बाद एक और टिप देती हूँ, टिप है ड्राई हेयर के लिए, वो ये ड्राई हेयर के लिए टिप यही है कि जब आपकी हेयर अगर वेट हैं तो आप ब्लो ड्रायर मत यूज़ कीजिए, स्पेशली थर्मल चीज़ें यूज़ मत कीजिए. जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रेटनिंग कराते हैं, इससे क्या होता है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं आपके हेयर. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा थर्मल चीज़ों की तरफ मत यूज़ कीजिए, प्रेफरेबली जो आपको मैंने बताया है जैसे आप उसको यूज़ कीजिए. आप L'Oreal Paris 6 Oil Nourish प्रोडक्ट को यूज़ करिए क्योंकि इट्स ऑलरेडी रिटन इज फॉर द ड्राई हेयर एंड यू कैन सी द रिजल्ट व्हेन यू विल यूज़ दिस प्रोडक्ट. देखो मैं आपको बताती रहूँगी कि आप ये कीजिए वो कीजिए, अनटिल अनलेस यू विल नॉट डू इट यू विल नेवर गेट द रिजल्ट. बिकॉज यू नो आई रिकमेंड ओनली दोज प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग माई सेल्फ, अदरवाइज आई विल नेवर रिकमेंड दोज प्रोडक्ट्स टू यू. बिकॉज ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाली है, इट्स नाउ ऑलमोस्ट फिनिश. So I think I must do the review of this product before throwing up. Guys, I just request to everyone kindly subscribe my channel, and if you want to see my more videos, you just simply go to the playlist. वहाँ पर you can see many of my playlist videos. उसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी category आपको चाहिए, skin care, basic, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर completely video list है वहाँ से भी आप देख सकते हैं. तो
It's time to say bye now and we'll see you in my next video. Bye bye guys.